हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रेशूज ब्लॉग्स में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के टाइम क्या हम ब्रा पैंटी पहन सकते हैं, इससे मतलब किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं होती। ये सवाल आपके माइंड में भी आता होगा, मेरे भी माइंड में आता था। तो फ्रेंड्स, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं आप लोगों को, तो मैंने पूरी प्रेगनेंसी, यहाँ तक कि डिलीवरी के बाद भी मैंने ब्रा पैंटी मतलब अपने अंडरगारमेंट्स पहने हुए हैं, उनको छोड़ा नहीं। जैसे लोग बोलते हैं आपको कि ब्रा पैंटी नहीं पहनना चाहिए, बच्चे का कोई बोलता है सर होता है, कोई बोलता है ऊपर मतलब ब्रा से ब्लड का सर्कुलेशन रुक सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है फ्रेंड्स, आप ब्रा पैंटी पहन सकते हैं। लेकिन क्या है कि आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि अगर आप अनकंफर्टेबल हैं उस टाइम पे, अगर आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, कुछ टाइम के लिए ब्रा को पहनना छोड़ सकते। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं है अगर, तो आप पहन सकती हैं। लेकिन इससे ये कोई कनेक्शन नहीं होता है कि बच्चे का ब्लड सर्कुलेशन रुक जाता है या किसी तरह की बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम होती है। लेकिन हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें एहसास होने लगता है, ऐसा तो नहीं बच्चे को कहीं पे कोई उसका जो पार्ट्स है वो दब रहा हो, उसको कुछ किसी भी तरीके का कोई दबाव फील हो रहा, तो ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। और रही बात पैंटी की, तो पैंटी में जैसे कि बताया जाता है कि लास्ट टाइम जैसे कि बेबी हेड डाउन पोजीशन में आ जाता है, तो पैंटी पहनने से शायद बेबी के कुछ पार्ट्स को दिक्कत ना हो रही हो, बेबी पर दबाव ना पड़ रहा हो, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, आपको ध्यान इस चीज़ का रखना है कि आपको जो भी जितनी भी आप नंबर के पहनते आ रहे हैं उससे आपको थोड़ा बड़ा साइज़ पहनना है, मतलब लूज़ आपको पहनना है, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपकी जो हैबिट है उसमें भी किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इस चीज़ों की लेडीज़ को हैबिट हो जाती है और वो विदाउट उसके नहीं रह सकती, थोड़ा अनकम्फर्टेबल सा फील करती हैं। तो आप पहन सकती हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको एक साइज़ अपना बड़ा रखना है जो कि लूज़ रहे, चाहे वो पैंटी हो या ब्रा हो। पैंटी अगर आप पहनती हैं तो इलास्टिक है वो बिल्कुल टाइट नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल एकदम से कसी हुई नहीं होनी चाहिए, लूज़ होनी चाहिए। तो उसके लिए आप एक दो नंबर बड़ा साइज़ आप ख़रीद सकती हैं और पहन सकती हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि जैसे कई लोगों की आदत होती है, कोई भी कुछ भी पहनते हैं, अगर आप साड़ी पहनती हैं, सूट पहनती हैं, तो जो नाड़ा होता है वो आपको ऊपर तक नहीं रखना है, बिल्कुल नीचे रखना है। नीचे मतलब कमर की जो जॉइंट होता है, पेल्विक एरिया तक, वहाँ तक आपको रखना है, उसके ऊपर नहीं रखना है और ना ही ज़्यादा टाइट बांधना है। तो कोशिश करें ऐसी चीज़ें, जैसे आप घर में हैं तो गाउन वगैरह का यूज़ कर सकती हैं, जिससे नीचे कुछ भी किसी भी तरीके का नाड़ा या उसकी इलास्टिक जो भी आप पहन रही हैं वो टाइट ना हो। बस हमें सिर्फ इस चीज़ में यही ध्यान रखना होता है अंडरगारमेंट्स पहनते टाइम, कि जो भी आप अंडरगारमेंट्स पहन रही हैं उनकी इलास्टिक है वो टाइट नहीं होनी चाहिए, कि आपको मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रही है आपकी बॉडी पे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप इसमें ध्यान रख सकती हैं कि आपका जो एक्चुअल साइज़ है उससे एक दो नंबर बड़े आप पहन सकती हैं, मतलब लूज़ होना चाहिए, इससे आप भी कंफर्टेबल रहेंगे और बेबी को भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लास्ट की 7 मंथ में क्या होता है कि मतलब ब्रेस्ट में दूध बनना स्टार्ट हो जाता है, जैसे जैसे डिलीवरी का टाइम नज़दीक आता है तो मतलब ब्रेस्ट में दूध बनना स्टार्ट हो जाता है, तो इस वजह से प्रॉब्लम हो सकती है वो भी टाइट ब्रा पहनने से। तो आप एक नंबर बड़ा साइज़ ट्राई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।